हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोग ने टॉपिक लिया था हिस्ट्री, इतिहास। तो इसमें हम लोग बात कर चुके थे लास्ट लेक्चर में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब इसमें बात करेंगे हम लोग वैदिक सभ्यता। ठीक है, इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक, भारतीय परंपरा में वेद को रूसी कहा जाता है। ब्रह्मा ने कुछ ऋषियों को मंत्रों का प्रकाश दिया। ऋषियों ने अपने शिष्यों को बताया। कालांतर में वेद व्यास ने इस ज्ञान को संकलित कर लिया। इसी कारण वेदों को श्रुति भी कहा गया है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। खगोलीय आधार पर जर्मन भारतविद प्रोफेसर हरमन जोकोबी के अनुसार ऋग्वेद की ऋचाएँ 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व में संकलित की गई थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयु कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 128 सूक्त थे। दूसरे से सातवें मंडल तक को वस वंश मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद का आठवां मंडल कर्ण और अंगिरस वंश से संबंधित है, को समर्पित है। ऋग्वेद के नौवें मंडल को सौ मंडल कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं कृषि, ऋषि और मंडल। गृत्स मद द्वितीय मंडल, विश्वामित्र तृतीय मंडल, वामदेव चतुर्थ मंडल, अत्रि पंचम मंडल, भारद्वाज षष्ठ मंडल, वशिष्ठ सप्तम मंडल। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। याद रखना, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ठीक है, जिसका जो व्यवसाय होता था उसी के आधार पर उसकी जाति निर्धारित होती थी। ऋग्वेदिक के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें चारों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की उत्पत्ति का साक्ष्य है। ऋग्वेदिक कालीन नदियां देख लेते हैं। ये प्राचीन नाम है और ये आधुनिक नाम है, वर्तमान नाम। ठीक, कुमु क्रमु कुर्रम बोलते हैं इसे, कुंभा काबुल बोलते हैं इसे, अब वितस्ता इसे अब झेलम बोलते हैं, अश्किनी चेनाब, पर्शनी रावी, सतदी सतलज, विपाशा व्यास, सदानीरा मंडक, दृशद्वती घग्गर, गोमती गोमल, सुवस्तु स्वात, सिंधु सिंध। ठीक है, सिंधु को क्या बोलते हैं, सिंध। आगे बात करते हैं यजुर्वेद। यज्ञ सूत्र की प्रमुख विशेषता कर्म कांड है। इसमें पहली बार राजसूय एवं वाजपेय यज्ञ का उल्लेख हुआ है। किसमें? यजुर्वेद में। यह वेद पद्य एवं गद्य दोनों में है। यजुर्वेद पद्य एवं गद्य दोनों में है। आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के पहले है। आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश में आए थे। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्लासिकल संस्कृत में आर्य का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है। सुदास ने अनार्यों को पराजित किया था। ये महत्वपूर्ण है। दशराज युद्ध परसुनी नदी रावी नदी के तट पर हुआ था। सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, इसमें सुदास जीता। आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के पहले है। आर्य सर्वप्रथम सिंधु प्रदेश में आए। आर्य शब्द का श्रेष्ठ होता है अर्थ श्रेष्ठ। ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु। ठीक है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है,
क्या है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी है सरस्वती को नदियों की माता कहा जाता है। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत कहा जाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्व यु कहा जाता है। सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। सबसे नया वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में वेद 23 में नहीं आता है, ठीक है? कौन कौन से आते हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद नहीं आता। इसमें जादू टोना तथा तंत्र मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। अथर्ववेद में जादू टोना तथा तंत्र मंत्र का उल्लेख है। वेदों की टीकाओं को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। वेद उपवेद और उनके रचनाकार, ये वेद हैं, ये उपवेद हैं, ये रचनाकार हैं। पहला है ऋग्वेद, उपवेद है आयुर्वेद और इसके रचनाकार हैं धन्वंतरी। फिर दूसरा है यजुर्वेद, इसका उपवेद है धनुर्वेद, इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र। फिर है सामवेद, गंधर्व वेद है और भरत मुनि है इसके रचनाकार। अथर्ववेद, शिल्पवेद, विश्वकर्मा है इसके रचनाकार, ठीक है? आगे बात करते हैं। ऋग्वेद काल का समाज कबीले के रूप में संगठित था। ऋग्वेदिक काल का समाज कबीले के रूप में संगठित था। आर्यों का प्रारंभिक प्रारंभक जीवन पशु चारक था एवं कृषि उनका गौण धंधा था। मुख्यतः पशुपालन करते थे और कृषि कम ही होती थी, ठीक है? भरत कुल के पुरोहित वशिष्ठ थे। आर्यों ने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। एक इनकी नई एक विशेषता है, ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है। ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है। आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी वेदत। श्रेष्ठ लोगों की संस्था को समिति कहते थे। राजा को चुनने एवं पद चयुक्त करने का अधिकार समिति को था। ऋग्वेदिक काल में पुलिस को उग्र तथा गुप्तचर को स्पष्ट कहते थे। ऊनी कपड़े को सामूल कहते थे। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इंद्र ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रतापी देवता थे, जिन्हें किला तोड़ने वाला कहा जाता था। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 बार उल्लेख किया गया है। ये कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे ज्यादा किसके लिए उल्लेख है, तो इंद्र के लिए 250 बार, ठीक है? कृषि संबंधी कुछ शब्दावलियां हैं, लांगल हल, वृष बैल, उर्वरा जुते हुए खेत, सीता हल से बनी नालियां, अवट कुआ, परजन वादल, करीस गोबर खाद, स्थिवी अनाज जमा करने वाले कोठार, कीनास हलवा है। उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक पिताभी देवता थे प्रजापति। ऋग्वेदिक काल में इंद्र थे और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति थे। शूद्रों के देवता पूषण थे, जो पशुओं से भी संबंधित थे। आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। राजा का प्रमुख सलाहकार पुरोहित होता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़, धूत क्रीड़ा। ऋग्वेद में नाई को वाप्ता कहा जाता था। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहते थे, ठीक है?
सर्वप्रथम कर लगाने का की प्रथा उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई, याद रखना इस पॉइंट को। इस कर को क्या कहते थे? वली। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई है। मगध में निवास करने वाले लोगों को अथर्ववेद में व्रात्य कहा जाता है। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन दूध और उसके उत्पाद थे। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करब नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। वैदिक काल में जौ, गेहूं, मूंग, तिल, उड़द आदि प्रमुख अन्न थे। ऋग्वैदिक आर्यों को बढ़ईगिरी, कुम्हार, बुनकर, चरमकार, रथकार, स्वर्णकार आदि के बारे में मालूम था, परंतु उस समय लोहारगिरी की जानकारी नहीं थी। परंतु उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी आर्यों को की हुई, ठीक है। अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की पुत्रियों के समान माना गया है। अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद पर विद्वानों ने सर्वप्रथम भाष्य लिखे। अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था। विद्वान आर्यों का मूल निवास स्थान मैक्स मूलर, मध्य एशिया, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, उत्तरी ध्रुव, ये आर्यों का मूल निवास स्थान है जिन विद्वानों ने बताया कि ऐसा है, ठीक है। मैक्स मूलर, मध्य एशिया, बाल गंगाधर, उत्तरी ध्रुव, दयानंद सरस्वती, तिब्बत, गंगानाथ झा, ब्रह्मा ऋषि देश, एल डी कल, ये कश्मीर तथा हिमालय क्षेत्र, गाइल्ड्स, हंगरी तथा डेन्यूब नदी, गार्डन चाइल्ड्स, मेयर पीक, दक्षिण रूस, फैनकाहर्ट, जर्मनी, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, सप्त सिंधव विदेश, ठीक है। ये थे आर्यों के मूल निवास स्थान। आगे बात करते हैं हम लोग अन्य प्राचीन शब्दावलियां, जैसे उर्दर, उर्दर अनाज नापने वाला पात्र के लिए प्रयोग होता था शब्द। गोरी भैंस को कहते थे। होता प्रार्थना करने वाले पुरोहित को कहते थे। उद्गाता सामवेद का गायन करने वाला यौगिक वाला पुरोहित होता था। अथर्व एक कर्मकांड एवं पशु बलि देने वाला पुरोहित होता था। ब्रह्मा यज्ञ विधि पूर्वक पूर्वक कराने वाला वाले अध्यक्ष को पुरोहित कहा जाता था। ब्रीहि ये चावल, तक्षण ये बढ़ई, निस्क मुद्रा के लिए प्रयुक्त शब्द है निस्क, ठीक है। वज्रपति ये चारागाह का अधिकारी था। आगे बात करते हैं ऋग्वेद में क्षत्रियों के लिए राजन्य शब्द का प्रयोग होता था। ऋग्वेद काल में पर्दा प्रथा नहीं थी। इस काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। इस काल में ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की दशा बहुत ही अच्छी थी। ऋग्वेदिक काल में सती प्रथा नहीं था। पर्दा प्रथा का उल्लेख वैदिक काल में नहीं मिलता है। ऋग्वेदिक देवता आकाश के देवता सूर, घोष, मित्र, भूषण, विष्णु, उषा, अश्विन, सावित्र, आदित्य, ये सभी आकाश के देवता हैं। अंतरिक्ष के देवता इंद, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, ठीक है, ये सभी पृथ्वी के देवता हैं। आगे बात करते हैं वैदिक काल में नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा का मतलब होता है कि अगर किसी महिला का अगर पति मर जाता है तो जब तक एक बच्चा नहीं हो जाता है तब तक वो अपने किसी निकट संबंधी से शारीरिक संबंध बना सकती है, ठीक है, इसका यही एक बच्चा पैदा होने तक। सत्वत ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है।
ऋग्वेदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। गाय को अगन्या ना मारने योग्य माना गया है। ऋग्वेदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। ओम शब्द का सर्वप्रथम निश्चित वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। याद रखिए, ओम शब्द का सर्वप्रथम निश्चित वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। फिर इसे भी याद रखना है, सत्यमेव जयते कई बार पूछा जा चुका है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। पाप पुण्य तथा स्वर्ग नरक का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। महाभारत काल में अनार जातियों को फणी या दास कहा जाता था। ऋग्वेद में वैद्य या चिकित्सक को भेषज कहा जाता था। ऋत को नैतिक व्यवस्था का नियामक कहा गया है। अग्नि देवता एवं मानव के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देव था। मरुत को तूफान का देवता कहा जाता था। प्राचीन काल में दो महाकाव्य थे, रामायण और महाभारत। वैदिक लोगों द्वारा तांबा का प्रयोग पहले किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ऋग्वेद में शब्दों का उल्लेख बारंबार था। तो जैसा कि पता है, ओम इसका उल्लेख है उनका 1028, जन 275, वर्ण 23, राष्ट्र 10 बार, गण 46, पूषण 8, ग्रह 90 बार, माता 334, राजन 1। इसके बाद है राजन्य के बाद वरुण 30 बार, सूर 10 बार, रुद्र 3 बार, ग्राम 13 बार, क्षत्रिय 9 बार, सभा 8 बार, अग्नि 200 बार, गंगा 1 बार, विष 171 बार प्रयोग किया गया है, ब्रह्मांड 14 बार, सेना 20 बार, इंद्र को 250 बार, गो को 176 बार और अश्व घोड़े को 315 बार। ठीक, शब्दों का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। समुद्र का 1 बार किया गया है, पिता का 335 बार, शूद्र 1 बार, विदथ 122 बार, विष्णु 6 बार, मित्र 1 बार, कुलप 2 बार, वैश्य 1 बार, समिति 9 बार, सोम 120 बार और यमुना 3 बार और कृषि 24 बार। ठीक है, इतनी बार उपयोग किया गया बारंबारता में ऋग्वेदिक काल में। अब आते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल में। कब आते उत्तर वैदिक काल? तो उत्तर वैदिक काल का काल रहा है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत चित्र धूसर मृदभांड इस समय प्रयोग होते थे। लोहा और स्थायी निवास इस समय की प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? चित्र धूसर मृदभांड, लोहा और स्थायी निवास। साहित्यिक स्रोत सामवेद, यजुर्वेद, यथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद। लोहे के प्रयोग का साक्ष्य सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में मिला है। कहाँ? अतरंगी खेड़ा 1050 ईसा पूर्व में, गंधार क्षेत्र में 1000 ईसा पूर्व में और गंगा यमुना द्वाब में 800 ईसा पूर्व में। ठीक है, चार पुरातात्विक स्थलों की खुदाई हुई, जखेड़ा, हस्तिनापुर, नोह तथा अतरंजी खेड़ा में सर्वाधिक लोहास्त मिले हैं। 700 ईसा पूर्व के लगभग लोहे का प्रसार उत्तर प्रदेश तथा विदेह में हुआ। उत्तर वैदिक ग्रंथ में लोहे को श्याम ऐश तथा कृष्ण ऐश भी कहा जाता है। प्रारंभ में उनकी राजधानी आसंदनी वाद थी। कालांतर में हस्तिनापुर उनकी राजधानी हुई। फिर दोबारा महत्वपूर्ण राजाओं की बात करें तो महत्वपूर्ण राजा हुए बाल्हिक, पितिपीय, राजा परीक्षित और जन्मेजय आदि। अथर्ववेद में परीक्षित का उल्लेख मिलता है।
जनमेजय में ने एक नाग यज्ञ और दो अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अंतिम कुरुवंशी शासक निक्षुषिप बाढ़ से विनष्ट होने के कारण हस्तिनापुर की जगह कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाए थे। महाभारत कुरुक्षेत्र का गृह युद्ध 950 ईसा पूर्व में हुआ था। महाभारत 950 ईसा पूर्व में हुआ था। इस काल में कबीलों ने जनपद रूप ग्रहण किया, जैसे भरत और कुरु ने मिलकर कुरु जनपद की स्थापना की तथा तुर्वस एवं कृबी ने मिलकर पंचाल जनपद की स्थापना की। मध्य द्वाब आधुनिक बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, पंचाल दार्शनिक राजाओं के लिए जाना जाता था। महत्वपूर्ण शासकों की बात करें तो पिवाहर जवाली थे, अरुणी श्वेत केतु इसी क्षेत्र के संबद्ध थे। गंगा यमुना, गंगा यमुना द्वाब से आर्यों का विस्तार सरयू नदी तक हुआ, जिसके किनारे कोसल राज्य स्थित था। आर्यों का विस्तार सरस्वती नदी से वर्णवती नदी के किनारे हुआ और काशी की स्थापना हुई। सदानीरा गंडक के किनारे विदेह माधव ने विदेह की नींव रखी थी। आगे बात करते हैं, विदेह माधव ने अपने गुरु राहुलगढ़ को सहायता से अग्नि के द्वारा इस क्षेत्र का सफाया किया। यह शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी पिता का पहली बार जिक्र हुआ है तथा सूदखोरों को कुसीदिन कहा गया है। इसमें बात करते हैं पुरुषार्थ, मनुष्य के भौतिक सुख एवं आध्यात्मिक सुखों के मध्य सामंजस्य, धर्म न्याय सद्गुण नैतिकता कर्तव्य पालन, अर्थ अर्थ की प्राप्ति और मर्यादा से उपभोग, धन की प्राप्ति और मर्यादा से उपभोग, काम धर्माचरण की एवं सृष्टि के विकास हेतु संतानोत्पत्ति, मोक्ष जीवन चक्र से मुक्ति। सतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार की रत्नियों का विवरण मिलता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में दिखाई देता है, याद रखना ठीक है। ऋग्वेद में राजा के देवी अधिकारों की पुरु द्वारा घोषणा कि मैं इंद्र हूँ, मैं वरुण। तैतृय उपनिषद में प्रजापति द्वारा इंद्र को राजा नियुक्त किए जाने की चर्चा है। सुनियोजित रूप से ऐतरेय ब्राह्मण में राजस्व का सिद्धांत मिलता है, किसमें ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। देवताओं द्वारा निरंतर पराजय के पश्चात सोम को राजा नियुक्त कर तथा उसके नेतृत्व में जीतना, राजा की शक्ति में वृद्धि एवं राजपद वंशानुगत हुआ। सतपथ ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन की चर्चा है, निर्वाचित राजा विश्वपति कहलाते थे ठीक। सतपथ ब्राह्मण में अत्याचारी शासक दुष्ट हितु पोषायन को सेजन द्वारा सिंहासन च्युत किए जाने की जानकारी मिलती है। तांडव ब्राह्मण में प्रजा द्वारा राजा के विनाश के लिए एक विशेष यज्ञ किए जाने का उल्लेख है। सतपथ ब्राह्मण में अब राजा को राष्ट्रिक कहा जाने लगा, जो निरंकुशता पूर्वक प्रजा की संपत्ति का उपभोग करता था। सतपथ ब्राह्मण में राजा को विस्मता जनता का भक्षक कहा गया। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में सौराट, याद रखना है ने। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को उत्तर में विराट कहा जाता था, दक्षिण में भोज और पूर्व में सम्राट, पश्चिम में सौराट। उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, परंतु कालांतर में संन्यास नाम
चौथा आश्रम भी इस अवस्था का अंग बना। चार आश्रम स्थापित बौद्ध काल एवं सूत काल में स्थापित हुए। यम और नचिकेता और उसके बीच तीन वर प्राप्त करने की कहानी कठोपनिषद में वर्णित है। छंदोग उपनिषद में इतिहास पुराण को स्पष्ट रूप से पंचम वेद कहा गया है। अथर्व वेद में मवेशियों की वृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। उत्तर वैदिक काल में गोत व्यवस्था स्थापित हुई। उत्तर वैदिक काल में ही पूजा मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ। मूर्ति पूजा का आरंभ कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। अथर्ववेद में सभा तथा समिति की को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। जवालोपनिषद में प्रथम बार चार आश्रम की चर्चा की हुई है। इत्रे ब्राह्मण द्वारा बहुविवाह के विचलन का संकेत मिलता है। विधवा विवाह विचलन तृतीय संहिता में मिलता है। विधवा पुत्र को देधिपत कहा जाता था। सतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। काठक संहिता 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है इसमें। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण नाम से जाना जाता था। अथर्ववेद के वेद के अनुसार राजाओं को आय का 16वां भाग मिलता था। सतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया। अथर्ववेद में सिंचाई के साधन के रूप में वर्णाकूप और नहर कुल्या का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया है। छंदोग उपनिषद में एक दुर्भिक्ष का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं हम लोग सिंधु एवं वैदिक सभ्यता में अंतर। ये वैदिक सभ्यता है, ये सिंधु सभ्यता है। तो ये वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। लोहे से बने उपकरण प्राप्त हुए वैदिक काल में, और इसमें सिंधु सभ्यता में लोहे से बने उपकरण प्राप्त नहीं हुए। वैदिक काल में घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु था, लेकिन सिंधु सभ्यता में घोड़े की निश्चित साक्ष्य नहीं मिले। ऋग्वेद वैदिक काल में गाय को विशेष स्थान था, लेकिन सिंधु सभ्यता में मुद्राओं पर गाय का अंकन नहीं है। वैदिक काल में मूर्ति पूजा की निश्चित साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन सिंधु सभ्यता में मृण मूर्तियों एवं पाषाण मूर्ति से पता चलता है कि मूर्ति पूजा होती थी। वैदिक सभ्यता में आर अस्त्र शस्त्र तथा कवच जैसे उपकरण बनाना जानते थे। सिंधु सभ्यता में रक्षा उपकरण जैसी वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई। ठीक, फिर वैदिक काल में वैराग्य का उल्लेख नहीं मिलता है। हाथी का उल्लेख भी कम ही मिलता है। मोहर इसमें सिंधु सभ्यता में मोहरों पर वैराग्य एवं हाथी का अंकन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। वैदिक धर्म पुरुष देवता विधान था और सिंधु धर्म मात देवी की पूजा विचलन ज्यादा था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 16 संस्कारों के बारे में। आज आपको पता चल जाएगा 16 संस्कार कौन से हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के 16 महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं। पहला है गर्भाधान, संतान की प्राप्ति के लिए। दूसरा है पुंसवन, पुत्र की प्राप्ति के लिए। तीसरा है सीमांतोन्नयन, गर्भ में संतान की रक्षा के लिए। चौथा जातकर्म, बच्चे के उत्पन्न होने पर किया जाने वाला संस्कार। नामकरण, नाम रखा जाने वाला संस्कार। छठा नंबर पर है हमारा निष्क्रमण, पहली बार घर से निकलना। फिर है सातवां अन्न प्राशन, नवजात शिशु को भोजन के रूप में अन्न देने का प्रारंभ। चूड़ाकरण, मुंडक संस्कार, कर्ण छेदन, कान में छेद करना। विद्यारंभ, शिक्षा प्रारंभ करना। उपनयन, यज्ञोपवीत धारण। वेदारंभ, वेद का अध्ययन प्रारंभ। केशांत, केश का अंत अर्थात मुंडन। समावर्तन,
ये है शिक्षा की समाप्ति। और 15वां है विवाह, विवाह शादी के समय संस्कार, और अंत्येष्टि दाह संस्कार, इंसान का काम खत्म। 16 तक आते आते इंसान का खत्म, वैसे तो 15 ही पे खत्म हो जाता है, 16 तो अंतम अंतिम बचता है। फिर बात करते हैं पदाधिकारियों के बारे में। रत्न रत्न पदाधिकारी, राजा, सेनापति, पुरोहित, मंत्री। सेनानी को सेनापति कहते थे, पुरोहित मंत्री, युवराज राजा का बड़ा बेटा, महिषी पटरानी, सूत सारथी, ग्रामीण ग्राम का मुखिया, छत्र पितिहारी, संहिता कोषाध्यक्ष, खजांची, भागदूत कर संग्रहकर्ता, अर्थमंत्री। अक्षवाप पासे के खेल में राजा का सहयोगी, पालागल राजा का मित्र और विदूषक का पूर्वज। बात करते हैं तीन ऋण। ऋषि ऋण प्राचीन ज्ञान विज्ञान व साहित्य के पिति कर्तव्य। पितृ पूर्वजों के पिति कर्तव्य। देवप्याग देव ऋष ऋष ऋण देव ऋण देवताओं एवं भौतिक शक्तियों के पिति दायित्व। ठीक, आगे बात करते हैं पंच महायज्ञ। यज्ञ है ये उद्देश्य है। पहला है भूत यज्ञ, ये जीवधारियों का पालन। दूसरा है अतिथि यज्ञ या नियज्ञ, ये अतिथियों की सेवा में। ब्रह्मा यज्ञ या ऋषि यज्ञ स्वाध्याय के लिए। देव यज्ञ अग्नि में हवन के द्वारा देवता को प्रसन्न करने के लिए। पित्त यज्ञ पितरों का तर्पण या संतानोत्पत्ति के निमित्त। बात करते हैं राजाओं हेतु यज्ञ। राज सूर्य यज्ञ राज्याभिषेक के समय यह यज्ञ अनुष्ठान किया जाता था, जिसमें प्रजा में विश्वास उत्पन्न होता था कि उसके राजा को दिव्य शक्ति प्राप्त है। दूसरा है अश्वमेध यज्ञ, राज्य के विस्तार हेतु घोड़े को छोड़कर दिग्विजयी होने का प्रतीक। तीसरा वाजपेय यज्ञ, रथों की दौड़ का आयोजन, राजा की श्रेष्ठता का प्रतीक। फिर है अग्नि अग्नि स्टोम यज्ञ, इसमें सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए जन कल्याण हेतु अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली, तो पूर्व में साम्राज्य जैसे सम्राट यहाँ का राजा होता था, पश्चिम में स्वराज सौराट इसका राजा होता था, उत्तर में बैराज बैराट विराट इसका राजा होता था, दक्षिण में भोज या भोज यहाँ का राजा भोज कहलाता था, मध्य देश में राजा कहलाता था। विवाह के बात करें कितने प्रकार के विवाह होते थे, तो ब्रह्मा विवाह, लड़की का पिता अपनी इच्छा से अपनी पुत्री को किसी उपयुक्त पति को बिना कुछ प्रतिफल लिए देने का प्रस्ताव करता था। दूसरा है देव विवाह, पिता अपने पुत्री पुरोहित को ब्याहते थे। फिर आर्य विवाह, विवाह करने वाला पुरुष कन्या के पिता के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए ना कि प्रतिफल के रूप में उसे बैलों की एक जोड़ी देता था। प्रजापत्य विवाह, विवाह का प्रस्ताव विवाहार्थी की ओर से आता था। असुर विवाह, विवाहार्थी पुरुष पुरुष की ओर से लड़की के पिता को नगद या वस्तुओं के रूप में प्रतिफल दिया जाता था, या प्रतिफल विवाह के बाद पति को लौटा दिया जाता था। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह माता पिता की अनुमति से नहीं, जो आजकल चल रहा है। ठीक है, गंधर्व विवाह। राक्षस विवाह, कन्या का अपहरण कर विवाह करना। पिशाच विवाह, कन्या से बलात्कार कर उससे विवाह करना। असुर विवाह केवल वैश्य एवं शूद्र में था। गंधर्व विवाह केवल क्षत्रियों में था। राक्षस विवाह क्षत्रियों के लिए भेद था। राक्षस और पिशाच विवाह निंदनीय था। ब्राह्मणों के लिए सिर्फ प्रथम चार विवाह ही विहित हैं। बात करते हैं हम लोग
वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुरोहित और उपवेद। तो वेद हैं ये ब्राह्मण हैं, ये आरण्यक हैं, उपनिषद, पुरोहित, उपवेद। ऋग्वेद ऐत्रेय और कौस्तिकी, आरण्यक में ऐत्रेय, कौस्तिकी ऐत्रेय, कौस्तिकी। पुरोहित है होत, आयुर्वेद। उपवेद है आयुर्वेद। सामवेद तांडव, षड्विश, छंदोग, जैमिनीय, छंदोग उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद। इसके पुरोहित हैं उद्गाता और इसका उपवेद है गंधर्व। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें ब्राह्मण है तैत्रीय शतपथ और आरण्यक तैत्रीय शतपथ। उपनिषद में तैत्रीय उपनिषद, बृहदक उपनिषद और ईशोपनिषद। इसके पुरोहित हैं अधर्यु, इसका उपवेद है धनुर्वेद। अथर्ववेद गोपद, कोई नहीं, आरण्यक, मुंडोक उपनिषद, उपनिषद है इसका ब्रह्मा, पुरोहित है और शिल्पदेव, इसका उपवेद है। तो ये था हमारा वैदिक काल। आगे बात करेंगे हम लोग महाजनपदों का उदय, ठीक है, महाजनपदों का उदय देखेंगे।